बरेली में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और इंफको प्रोजेक्ट आंवला इकाई प्रबंधन के विरुद्ध विगत 11 महीनों से किसान यूनियन टिकैत का चल रहा है उस पर कार्यवाही न किए जाने पर रोष प्रकट करते हुए यथाशीघ्र कार्यवाही करने की मांग की है। गजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, इसको प्रबंधन द्वारा यह वायदा किया गया था कि उनके परिवारों में से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, उन किसानों की जमीन भी चली गई और रोजगार भी नहीं दिया गया। किसान भुखमरी के कगार पर है, ना अनाज पैदा नहीं कर सकता है, ना रोजगार मिला और जो भी ऑर्डर आते हैं वहां का स्थानीय प्रशासन उसको ठंडे बस्ते में डाल देता है। मैं गजेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। क्या मामला है? ज्ञापन तो हम पहले दे चुके हैं कई बार आंवला के मसले में। आंवला में लगभग 10.25 महीने से किसान धरने पे बैठा, किसान ने वहाँ धरना दे रखा है। यहाँ का जिला प्रशासन चूँकि फिर भी सहयोग कर रहा है, वहाँ का जो लोकल प्रशासन है उसका बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा। जो आदेश यहाँ जाते हैं वो वहाँ पेंडिंग हो जाते हैं। उसका रिमाइंडर देने आए थे कि जो समय सीमा रहते हुए जो काम हो जाने चाहिए थे वो अब तक नहीं हो पा रहे हैं। किसान वहाँ धरने पर बैठा हुआ, सारी पूरी साल गुजर जाएगी, अब एक महीने बाद सारी जो ऋतुएं हैं वो सारी अपने ऊपर उन्हें ले ली हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन नहीं चेता है। कुछ मांग बता दी, क्या मांग? वहाँ पे किसानों की ज़मीनें ली गई थी, अधिग्रहित की गई थी, उसमें ये एक शर्त थी, एक एक वो था कमिटमेंट, इसका लिखित कमिटमेंट कि जो जिन किसानों की ज़मीन जाएगी उसमें आपके इफको प्लांट में उन सभी को नौकरी दी जाएगी। उसमें से कुछ लोगों को नौकरी दी गई, अधिकतर लोगों को ऐसे छोड़ दिया गया। वो श्रम जो करते थे अपने खेत में वो श्रम भी खत्म हो गया, उनकी खेती भी चली गई। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे घाटे हैं जो जो कि इन्होंने घेर रखे हैं, ना तो वो अधिग्रहित थे ना अधिग्रहण की सीमा में आते थे, अभी घिरे हुए हैं। उसकी जांच चल रही है, जांच कब तक हो पाएगी इस मुद्दे को लेकर आएँ, जल्दी जाँच हो और उन पर एक्शन हो। यहाँ तक कि जो सरकारी ज़मीन है PWD की, उसे PWD ने नोटिस दिया इन्हें कि 7 दिन के अंदर इसे खाली कर दें। आज 40 दिन हो गए उस नोटिस को, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, ना लोक निर्माण विभाग भी चुप है और लोकल प्रशासन भी चुप है, इफको कुछ कर नहीं रहा। हम इसके विरोध में आज रिमाइंडर देने आए थे, जल्दी इसका निस्तारण करा जाए, अन्यथा किसान और बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।